आज हम बनाएंगे परवल की फ्राई। परवल के पतले स्किन को छील के अच्छी तरह से धो ली हूँ और इसको मैं दो भागों में कट कर ली हूँ। इसमें नमक और हल्दी लगा के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे परवल। तो परवल को हमें दोनों साइड से पकाना है। एक साइड से पक गया है, अब हम इसको पलट देंगे। उलट पलट के हमें दोनों तरफ से पकाना है। तो ये परवल फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी तरह से हम बचे हुए परवल को भी फ्राई कर लेंगे। परवल भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम चावल के साथ खाने के लिए रेडी।